बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हफीज़ुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो व्यूअर्स, आज व्लॉग होगी इंशाल्लाह उर्दू में। मेरी उर्दू तो कुछ अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा कि उर्दू में जो भी मुझसे हो सके वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत से दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स की फरमाइश है कि आप उर्दू बोला करें, क्योंकि हमें पश्तो स्पीकिंग नहीं आती। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि जो भी बातें हैं आपके साथ आज उर्दू में शेयर किया जाए। सीन कुछ आज इस तरह है कि यहाँ भी मैं जो है ना असर की नमाज़ पढ़ के बाहर आया हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम। दो तीन दिन से गर्मी पड़ रही थी, काफ़ी मुश्किल थी, काफ़ी जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स था, बारिश नहीं हो रही थी। तकरीबन हफ्ता दो हफ्ते से बारिश नहीं हो रही थी, तो काफ़ी गर्मी थी, सारे लोग बहुत परेशान थे, फसल ख़राब थी। तो आज मैं यहाँ बाहर निकला हुआ हूँ, तो काफ़ी मौसम काफ़ी खुशगवार है, हवा ठंडी चल रही है, हालांकि बारिश कम हो गई है, लेकिन मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। सारे जो इधर उधर इलाके हैं उधर पर बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई। तो सोचा अपने व्यूअर्स के साथ ये मौसम के हालात शेयर करूँ। यहाँ कुछ बच्चे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर। व्यूअर्स ये देखे बच्चे हैं, ये पतंगबाजी कर रहे हैं, सारे खुश हो रहे हैं। मौसम आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, बड़ा आलूद है, अभी भी ऊपर काले बादल पड़े हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। इंशाल्लाह हो सकता है आज बारिश हो जाए, दो तीन कल से ये मौसम चल रहा है, कभी धूप कभी छांव। ये देख ले हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर पर चावल की फसल जो है ना वो अभी भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो हर दिन जब ग़ुरूब आफ्ताब होता है तो हर एक यही सोचता है कि आज तो दिन गुज़र गया, अच्छा सा गुज़र गया। तो जब दिन गुज़र जाता है, आफ्ताब ग़ुरूब होता है, तो हर यही लोग यही सोचते हैं कि इंशाल्लाह हमारा कल इंशाल्लाह बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा, आज से बेहतर होगा, और बेहतर होने की कोशिश करता है कि आज हमने जितनी गलतियां की हैं इंशाल्लाह कल ये ना हो, आज हमने अपनी फील्ड में जितनी इम्प्रूवमेंट की है इंशाल्लाह कल इससे बेहतर करेंगे, आज हमने जितनी नहीं किया कमाई है इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कल होगी कि हम इंशाल्लाह कल इससे ज़्यादा नहीं किया करेंगे, कल इससे ज़्यादा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल्लिबाद अदा करेंगे अपने इर्द गिर्द। तो व्यूअर्स, आपके साथ उर्दू में भी बात होगी, क्योंकि ज़ुबान तो मेरी उर्दू नहीं है, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा, गलतियाँ भी होंगी मेरी उर्दू में, कुछ अच्छी भी होंगी, क्योंकि मेरी ज़ुबान जो है ना वो पश्तो स्पीकिंग है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छे व्लॉग आपके लिए पेश करूँ, अच्छी से अच्छी जो है ना कानों के व्लॉग आपके लिए पेश करूँ, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में आप उनसे बात कर सकें, क्योंकि आप भी हमारे फैमिली मेम्बर्स। तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें कि हम अपनी वीडियो किस तरह अच्छी तरीके से बना सकते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले।
आज हम आए हैं ज़िया के साथ मिलने के लिए आए हुए हैं यहाँ शब कदर पर। ये भी हमारे साथ ही है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई हैं। तो आज इससे मुलाकात का शौक़ हुआ और हम इसके लिए जो है ना इधर पर हाजिर हुए। तो बाकी बात ज़िया से सुनेंगे कि क्या हाल है। सर तबियत हो यार। और ज़िया भाई ठीक ठाक हो? बस खैरियत है। और आप कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर, हमारा जो काम खराब है वो ठीक करने के लिए। जब भी ठीक हो जाएंगे तो इन मैं मोटरवे ब्रिज पर खड़ा हूँ। ये आप भी कोशिश किया करें कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और इससे माहौल भी बहुत साफ सुथरी अच्छी रहती है। सट का भी खूबसूरत मंज़र है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मोटरवे के दरमियान जो फुटपाथ है इस पर भी खूबसूरती की इंतहा कर दी गई है। बहुत ही ज़बरदस्त दरख्त, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, आप देख सकते हैं मेरी पीछे, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर। सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। और इस साइड पर देखिए लोकेशन, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन। ये लोकेशन सिर्फ इस दरख्तों की वजह से है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। इसी के साथ अपने दोस्त अपने भाई हफीज़ुल्ला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप पर अपना रहम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए, करम फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।